ये भक्ति का काम है, ये आध्यात्मिक शक्ति के नाम है, ये गंगा का किनारा है जहाँ प्रभु सुमिरन का ही सहारा है। ये तैयारी चल रही है फर्रुखाबाद में आगामी 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेला श्री राम नगरिया मिनी कुंभ की। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समतलीकरण होने के साथ ही मंच निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 7 प्रशासनिक पंडाल सहित पहली बार पंटून पुल भी बनाया जा रहा है। इस पर्व को देखते हुए शाम को अपने रात में गोताखोर लगा दिए थे और स्नानार्थियों की भीड़ अधिक बढ़ी है। लगभग 30,000 से 35,000 आदमी तक स्नान कर चुका है अब तक। और कल बास क्षेत्र में रावटी बढ़िया बहुत बढ़ गई है। आज मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए कल्पवासियों ने मेला क्षेत्र में लगभग 300-350 के लगभग तो रावटी लगी चुकी है अब तक, और अभी आना जारी है। लगातार मेला बढ़ रहा है और उसको देखते हुए हमने रोडों की व्यवस्था करा दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर वर्षों से लगने वाले श्री राम नगरिया मेले में इटावा बरेली हाईवे पर बने गंगा पुल पर जाम न लगे, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पहली बार श्रद्धालुओं के लिए पेंटून पुल बनाया जा रहा है, जिसका काम तेजी से चल रहा है, जिससे कि इटावा बरेली हाईवे पर बने पुल पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। एक महीने तक चलने वाला माघ मेला श्री राम नगरिया के दौरान जाम के झाम से नहीं जूझना पड़ेगा, श्रद्धालु आसानी से आ जा सकेंगे। हाँ, ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया है, सारे ठेके मेरे स्वीकृत हो चुके हैं। ठेकेदारों ने काम स्पॉट पे शुरू कर दिया है। टेंट ठेकेदार द्वारा वहाँ माल गिरा दिया गया है। आज से हमारे यहाँ टीन सेट लगना शुरू हो गए हैं। ये लगभग हम 20 तारीख तक पूरी तैयारी कर लेंगे। हाँ, दुकानदारों को दुकानें अभी तो हम बुक कर रहे हैं। बुक करने के बाद में फिर हम ये करीब 21 तारीख में या 22 तारीख तक दुकानें चिन्हित करा के उनको दुकानें हैंड ओवर कर देंगे। वो लोग अपना दुकान सजाने का काम शुरू कर देंगे, जो मेला उद्घाटन से पूर्व दुकानें सज जाएंगी। मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पंडाल मंच की लंबाई बढ़ाई गई है। इसके साथ ही पिछले वर्ष मेला क्षेत्र लगभग 2 किलोमीटर में बसाया गया था, जबकि इस वर्ष कोरोना के चलते मेला क्षेत्र का दायरा अधिक बढ़ा दिया गया है, जिससे अब श्री राम नगरिया मेले का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में लगेगा। स्वच्छता और पेयजल के लिए शौचालय और हैंडपंप भी लगाए जा रहे हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज के साथ।